तो फ्रेंड्स आज हम राजस्थानी रायता बनाएंगे और रायता बनाने के लिए ये मसाला लेंगे। एक चम्मच पिसा हुआ पुदीना है, एक चम्मच तेल है, एक चम्मच जीरा पाउडर जो अभी तक सेका था, एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च, एक चम्मच हल्दी, दो प्याज और गार्निश के लिए हरा धनिया। 500 ग्राम दही ले लेंगे रायता बनाने के लिए। आधी गिलास पानी डाल के दही फेंट लेंगे। ये रायते के लिए दही तैयार हो गया है। अब चॉपर में प्याज पीस लेंगे रायते में डालने के लिए। ये प्याज बारीक हो गए हैं हमारे। अब हम प्याज को दही में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। गैस ऑन कर देते हैं। रायते के लिए चौक तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने देते हैं। जब तक तेल गर्म होता है दही में मसाले ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च, ये सूखा पुदीना, ये भुना हुआ जीरा है जो तवे पे भुना था, अगर तेल गर्म हो गया इसमें जीरा डालेंगे। गैस बंद कर देते हैं। हल्दी डालेंगे और रायते में छौंक लगा देंगे। ये रायता बनके तैयार है। गार्निश के लिए हरा धनिया आप डाल देते हैं। ये राजस्थानी रायता बनके तैयार है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।